रोका। कानपुर में समाजवादी पार्टी ने खोला मोर्चा, कुलपति प्रोफेसर विनय ने खोला मोर्चा। अलीगढ़ में बच्चों को लगे विशेष टीके, 5 साल तक के बच्चों को हो रहा है टीकाकरण। अमरोहा में विदाई समारोह का हुआ आयोजन, समारोह में पूर्व सभासदों को किया गया सम्मानित। औरैया में बिजली विभाग ने किसान की जमीन हड़प ली, जमीन का किराया देने के नाम पर किया कब्जा। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां छत्रपति साहू जी महाराज और आगरा यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक को लेकर समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही सपा के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने CHM यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन को देखते हुए भारी सुरक्षा में फोर्स भी तैनात की गई, जिसमें कैंट विधायक मोहम्मद हसन रूमी और RLD के पदाधिकारी भी शामिल है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। साथ ही सपा ने प्रोफेसर विनय पाठक के पदनाम के आगे फरार कुलपति लगे पोस्टर यूनिवर्सिटी गेट पर जगह जगह चस्पा किए हैं। सोशल मीडिया पर इसका खूब प्रचार और प्रसार भी किया जा रहा है। औरैया में बिजली विभाग ने गांव के सीधे साधे किसान को बड़ा प्रलोभन देकर उसकी जमीन को कब्जे में कर लिया। बता दें कि बिजली विभाग ने वर्ष 2008 में ट्यूबवेल का फ्री कनेक्शन, जमीन का किराया देने के नाम पर भूमि पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से अभी तक ट्यूबवेल का कनेक्शन और जमीन का किराया नहीं मिला है। बता दें कि किसान अपनी उपजाऊ जमीन से परिवार का भरण पोषण करता था। पूरा मामला अजीत महल तहसील के अंतर्गत आयाना उपखंड का है। विभाग ने बना लिया है, ये इसकी गाटर संख्या 168 है। शासने को प्रशासनिक अधिकारियों ने भी माना है, जब हमारे द्वारा शिकायत की गई कि हाँ ये गलत बना है, ये रुकवाया जाए। ये पूरा मैटर 2008 का है, उस समय से लगातार हमारे परिवार के पिता चाचा एप्लीकेशन और देते आ रहे सभी अधिकारियों को, शासन को भी, कि हमारा मुआवजा दिलाया जाए, क्योंकि प्रलोभन देकर जो जमीन दूसरी जगह पर दी थी। मैनपुरी के थाना अलाव क्षेत्र में बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अपराधी थाना क्षेत्र के नगला कैल गांव का निवासी है, जिस पर कई थानों में करीब 21 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। बदमाश के कब्जे से पुलिस को तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद हुई है। अलाव थाने का मनीष उर्फ मुनेश उर्फ मनोज, जो कि शातिर लुटेरा है, इसके ऊपर 25,000 का इनाम पूर्व से घोषित था। कुरावली थाने से गैंगस्टर में वांछित चल रहा था और हाथरस के सिकंदर राव से भी ये लूट में वांछित था। इसके अन्य आपराधिक कृत्यों की जानकारी की जा रही है। आज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, इसके कब्जे से एक तमंचा मौके से बरामद हुआ है, साथ ही एक काले कलर। हरदोई के रेलवेगंज मंगली पुरवा फाटक से गौशाला जाने वाले रास्ते पर भारी वाहनों के चलते लंबा जाम लगा हुआ है, जिसके चलते किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि लगभग 100 से 150 तक प्रतिदिन नो एंट्री के समय प्रवेश कर नो एंट्री के आदेश की खिल्ली उड़ाते हुए जाम की स्थिति उत्पन्न करते हैं, जिससे अन्य राहगीरों, दोपहिया चार पहिया वाहन चालकों, दुकानदारों आदि को घंटे जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। यहाँ के दुकानदारों तथा वासियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा किसी भी
प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते दुकानदारों तथा रेलवे गंज और सयापुरवा के लोगों में काफी आक्रोश है। साहब यहाँ के बहुत ट्रक निकलते हैं, दिन भर बहुत परेशान करते हैं, सबका जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है, कई बार एक्सीडेंट होते बचा है और नो एंट्री होने के बावजूद इधर से ही निकल रहे हैं। कौन से वाहन बड़े निकलते हैं? बड़े 22 चक्का, 18 चक्का, 20 चक्का। अच्छा, तो क्या मांग है तुम? हम इधर से ये सब ओवरलोड वाले वाहन बंद किए जाए। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में एक ऑटो चालक के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, तो वहीं परिजनों का आरोप है कि एक एक्सीडेंट के बाद पुलिस ऑटो चालक को पकड़ कर ले गई और पुलिस चौकी के अंदर जमकर पिटाई की, जिसके बाद ऑटो चालक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के आधा घंटे बाद ही उसने दम तोड़ दिया। तो वहीं पुलिस पर थर्ड डिग्री देकर मौत के घाट उतारने का आरोप है, जिसके बाद परिजनों ने मृतक के शव को रोड पर रखकर जाम और प्रदर्शन कर दिया। वहीं अब पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने में जुटी है। पांच छह सिपाही थे यहाँ पर आए थे, मैंने बोला था उनसे इनकी इसके ट्रीटमेंट के पैसे हम दे दे रहे और हमारे भाई को छोड़ दो। उन्होंने हमारे भाई को नहीं छोड़ा, चौकी ले गए। उसके बाद 1 बजे के करीब फोन करा इसे ले जाओ, फिर हम 1 बजे आए, उन्होंने 3510 रुपये जमा करवा लिए, उसके बाद छोड़ा उसे। मैंने पूछा था, उसके काफ़ी पीर हो रही थी सीने में, उसकी मारपीट करने के बाद छोड़ दिया। उसके बाद वो एक्सपायर हो गया। उन्होंने बताया। खबर फरीदाबाद से है, जहां कनेरा गांव निवासी एक युवक की गांव के दबंग लोगों ने जबरन कब्जा कर जमीन का राजीनामा अपने नाम करवा लिया। युवक ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें जबरन राजीनामा और धमकी की जानकारी दी गई है। पीड़ित युवक ने दबंगों से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास भी किया। गंभीर स्थिति में युवक को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम ने युवक की हालत गंभीर बताई है। मैं धर्मदत्त शर्मा, पुत्र नंदराम शर्मा, बालाजी कॉलोनी कन्नेरा में 7 साल से रह रहा हूँ और आदर्श नगर सुभाष कॉलोनी में मैं 13 साल रह के आया हूँ। मैं पहले ड्यूटी करता था और अब अपनी एक दुकान खोल रखी है। बड़ी मेहनत से मैंने अपना एक प्लॉट खरीदा था 146 गज का। रामनगरी अयोध्या में पुलिस और एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिससे पुलिस ने शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। बता दें कि पुलिस ने 275 पेटी अवैध शराब बरामद की है। आरोपी कंटेनर में शराब छिपा कर ले जा रहे थे, जो कि हरियाणा से बिहार जा रही थी। खबर अयोध्या से है, जहां कामाख्या भवानी मंदिर दर्शन करने जा रहे दो चचेरे भाई सड़क हादसे का शिकार हो गए। थाना बाबा बाजार के बदेलपुर गांव के पास गन्ने से लदी ट्रैक्टर टाली से बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। अयोध्या में अनियंत्रित कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि बाइक सवार युवक बहन की शादी का कार छपवाने चौरे बाजार आया था। पूरा मामला बीकापुर कोतवाली क्षेत्र का है। मृतक युवक पड़ोसी जिला सुल्तानपुर के गौरा सैदन खानपुर के कुरेभार का रहने वाला है। शादी के कार्ड को छपवाने के लिए आए थे चौरे बाजार, कार्ड का दे करके छपने के लिए वापस घर जाते समय एक अनियंत्रित कार ने, जो अनियंत्रित कार आई और टक्कर मार दी, जिससे काफ़ी चोट लग गई और इसी से इनकी मौत हुई और कार वाला कार्ड लेकर भाग गया, जिसका नंबर देखा गया, लोगों ने बताया वहाँ।
अमरोहा के नगर पालिका परिषद के आम लोगों के द्वारा चुने हुए बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, जिसके बाद अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने विदाई समारोह का आयोजन किया, जिसमें पूर्व पालिका अध्यक्ष शशि जैन समेत सभी पूर्व सभासदों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर उनके बेमिसाल कार्यकाल की सराहना की गई और प्रतीक चिन्ह भी दिए गए। जो हमारा वर्तमान नगर पालिका बोर्ड है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का पूर्ण हो गया है। इस बोर्ड ने पिछले 5 सालों में इस शहर को बनाने संवारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निर्बाध रूप से, बिना किसी गतिरोध से, जो यहाँ की अध्यक्ष महोदया शशि जैन थी, उन्होंने इस बोर्ड को चलाया और शहर के विकास में एक अमूल्य योगदान दिया। तो उसके फलस्वरूप, चूँकि उस दिन का कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो एक विदाई समारोह, एक सम्मान समारोह हम लोगों द्वारा आयोजित किया गया। इन 5 सालों में शहर के लिए उन्होंने जो किया, हमारे मेंबर साहिबान ने, हमारी चेयरमैन महोदया ने, तो उस सभी कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके योगदान देने के लिए एक बृहद कार्यक्रम हमारी टीम के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें सभी सभासदों को, चेयरमैन महोदया को सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो पालिका कर्मचारी थे, पटल प्रभारी थे, जिन्होंने अच्छा काम किया गया, उनको भी सम्मानित किया गया। तो एक प्रकार से ये हमारा सम्मान समारोह था, जो बहुत अच्छा सम्पन्न हुआ। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार पूरे प्रदेश में बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए विशेष टीकाकरण की शुरुआत की गई है। टीकाकरण कार्यक्रम में नवजात बच्चों से लेकर 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा, जिससे बच्चों में होने वाली गंभीर बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सके। बता दें, यह टीकाकरण थाना सासनी गेट के प्लस स्वास्थ्य केंद्र में हो रहा है। सर, प्लस साईं बाबा स्वास्थ्य केंद्र पर किस तरीके का कार्यक्रम आज किया जा रहा है? 0 से 5 साल तक के बच्चों को नियमित टीकाकरण में जो बच्चे छूट गए हैं, उनका टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत आज 9 तारीख से लेकर और 20 तारीख तक ये प्रोग्राम पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसके संबंध में आज सीडीओ साहब द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा, तो इस प्रोग्राम का शुभारम्भ किया जा रहा है। शुभ नाम क्या सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर MK माथुर, जिला प्रशिक्षण अधिकारी। मैम, क्या नाम है आपका और आपके स्वास्थ्य केंद्र में किस तरीके का कार्यक्रम किया जा रहा है आज? जी, मेरा नाम डॉक्टर अंशु सक्सेना है और आज यहाँ पला साइबाबाद पे विशेष टीकाकरण अभियान का और एक वैक्सीनेशन प्रमोशन के लिए हमने एक सॉन्ग तैयार किया है, उसका लॉन्च है, जो कि हमारे ऑनरेबल CDO सर और ऑनरेबल CMO सर द्वारा किया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग के अन्य उच्च अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और स्वास्थ्य विभाग के अलावा एरिया के लोग, जो कि हमारे सभी अभियान में हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारे एरिया के पार्षद और राशन डीलर्स और जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं टीकाकरण को सपोर्ट करने के लिए और वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए। रायबरेली में एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीब असहाय लोगों के लिए आवास मुहैया करा रहे हैं, साथ ही भ्रष्टाचार को खत्म करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला डी ब्लॉक के शादीपुरा कोटवा का है, जहां उसी गांव के ग्राम विकास अधिकारी ने आवास के नाम पर 5 लोगों से रिश्वत की मांग की, जिसके बाद रिश्वत की मांग न पूरी होने पर 5 लोगों का नाम आवास लिस्ट से गलत जाँच लगवा कर नाम कटवा दिया। वहीं पीड़ितों का कहना है कि हमारा आवास लिस्ट में आवास में नाम डलवाया गया था, जिसके बाद जांच करने आए ग्राम विकास अधिकारी ने सभी लोगों से 20,000 रुपए की मांग की थी। तो वहीं सभी पीड़ितों ने DM कार्यालय पहुंचकर DM माला श्रीवास्तव से शिकायत भी की है, जिसके बाद DM माला श्रीवास्तव ने पीड़ितों को आश्वासन देने की और जाँच की बात कही है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।